हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है, मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ग्रुप डिस्कशन करने की जरूरत पड़ती है। जब जॉब के लिए सिलेक्शन होता है तब बहुत सारे लोगों को इस राउंड से गुजरना पड़ता है। जब कैंडिडेट्स बहुत सारे होते हैं तो उन कैंडिडेट्स में से अच्छे लोगों को पसंद करने के लिए, अच्छे लोगों का सिलेक्शन करने के लिए ये राउंड को कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन का मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका मतलब ही मालूम नहीं है। ग्रुप डिस्कशन का अर्थ ये होता है कि किसी एक विषय के ऊपर आपको डिस्कशन करनी होती है। अगर आप फेवर में बोलना चाहे तो फेवर में बोल सकते हैं, अगर आपको अगेंस्ट में बोलना है तो आप अगेंस्ट में भी बोल सकते हैं। लेकिन यहां पर उद्देश्य ये नहीं है कि हम सामने वाले व्यक्ति से जीते, हम जो है वो सामने वाले व्यक्ति को ये दिखाए कि हम सुपीरियर है, ये उद्देश्य नहीं है। यहां पर उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम विषय के ऊपर डिस्कशन करें। अगर हमें यहां पर सामने वाले व्यक्ति के मुद्दे को जो है वो पसंद करना हो तो ये हम जो है वो उनको बता भी सकते हैं, अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, तो इसे जो है वो ग्रुप डिस्कशन कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपको ग्रुप डिस्कशन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको तीन टिप्स देने वाले हैं। इन तीनों टिप्स को ध्यान से सुनिएगा, आपको ये ग्रुप डिस्कशन में बहुत ही उपयोगी होगी, क्योंकि हम भी ग्रुप डिस्कशन के फेज से गुजर चुके हैं। ये वीडियो सिर्फ जॉब करने वाले लोगों के लिए ही नहीं है, जो लोग जो है वो सिर्फ नौकरी करना चाहते उन लोगों के लिए ही नहीं है, लेकिन स्कूल स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स को भी अगर ग्रुप डिस्कशन करने की जरूरत पड़े तो वो लोग भी इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हमारी जो तीन टिप्स आप लोगों के लिए है, उनमें से सबसे पहली टिप ये है कि आप अपने विचार को फ्रीली रखिए और जरूरत पड़ने पर सामने वाले व्यक्ति को अप्रिशिएट भी कीजिए। जब आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो आपको अपना विचार फ्रीली रखना है। अगर आप फेवर में बोलना चाहते हैं तो विचार फेवर में रख सकते हैं, अगर आप अगेंस्ट में बोलना चाहते हैं तो अगेंस्ट में भी अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन फ्रीली आप अपने विचार को लोगों के सामने प्रेजेंट कीजिए। यहां पर मान लीजिए कि सामने वाले व्यक्ति जो है वो ग्रुप डिस्कशन की शुरुआत करते हैं, वो व्यक्ति अपना एक पॉइंट रखते हैं और मान लीजिए कि वो व्यक्ति जो है वो विषय के फेवर में बोल रहे हैं, आपको उस विषय के अगेंस्ट में बोलने की इच्छा है क्योंकि आपके पास अगेंस्ट में बोलने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, तो आप यहां पर जो वो क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि उन्होंने जो फेवर में पॉइंट बताया हुआ है वो पॉइंट आपको अच्छा लगता है तो उनको आप अप्रिशिएट कीजिए, उसके बाद आपका जो अगेंस्ट वाला पॉइंट है उसे उनके सामने रखिए। तो ये चीज जो है वो हमें करनी है। साथ साथ यहां पर उस चीज का भी ध्यान रखेंगे, ये बहुत कम लोग जो है वो जानते हैं कि इसे जो है वो अप्लाई करना चाहिए। आपने तैयारी जो है वो ग्रुप डिस्कशन के लिए मान लीजिए की हुई है, आप अपने डिसाइड किए हुए मुद्दे को उनके सामने रखना चाहते हैं, लेकिन यहां पर अगर अचानक से उनका कोई जो है वो पॉइंट नया लगे आपको और उस नए पॉइंट के लिए आपके पास जो है वो कुछ अगेंस्ट में कहने के लिए है तो भी आप जो वो अगेंस्ट में उस वक्त कह सकते हैं, और वैसे एक जो है वो क्वालिटी डेवलप कीजिए कि आप अचानक से भी जो है वो किसी व्यक्ति के मुद्दे के सामने कोई जो है वो दूसरा अपना मत रख सके, ऐसी भी क्वालिटी डेवलप कीजिए। लेकिन हाँ, यहां पर उद्देश्य ये नहीं है कि उनके हमें जो है वो विरोध में ही बोलना है, हमें जो है वो सिर्फ हमारे मत को रखना है। अगर हमें उनके मुद्दे अच्छे लगते हैं तो पहले उनकी तारीफ करेंगे, बाद में जो है वो हम हमारे मुद्दों को रखेंगे। तो ये जो है वो हमारी सबसे पहली टिप है कि अपने मुद्दों को फ्रीली रखिए और साथ साथ सामने वाले लोगों के मुद्दों की भी तारीफ कीजिए। हमारी जो दूसरी टिप आप लोगों के लिए है वो ये है कि ग्रुप डिस्कशन में सभी को पार्टिसिपेट करवाइए। जब आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस है कि आप ग्रुप में जो है वो डिस्कशन कर रहे होंगे, नॉर्मली जो है वो ये 5 लोगों के बीच में, 10 लोगों के बीच में होता है। तो जब आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं और मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, वो अपने मुद्दों को, अपने मत को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो आपको यहां पर लीडर बनना है, यहां पर आपको उनको मोटिवेट करना है बोलने के लिए। आप उन्हें जो है वो कह सकते हैं कि आप भी अपने विचारों को रखिए, हम भी जो है वो आपके थॉट्स को जानना चाहते हैं,
तो एक लीडर बनिए और सबको जो वो पार्टिसिपेट करवाइए। साथ साथ ये भी ध्यान में रखिए कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा ना बोले, आपको बोलना चाहिए लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप ही बोलते रहे और दूसरे लोगों को बोलने का मौका ना मिले, ऐसा भी नहीं करना है। तो मतलब कि ग्रुप डिस्कशन के अंदर हमें सबको पार्टिसिपेट करवाना है, ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। हमारी जो तीसरी टिप आप लोगों के लिए है वो ये है कि ग्रुप डिस्कशन करते समय अपनी अच्छी बॉडी लैंग्वेज और अच्छी आवाज का उपयोग कीजिए। जब आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो सिर्फ आपके कंटेंट का ही महत्व नहीं है, मतलब हमने पहले मुद्दे में आपको कहा कि आपको कैसे मुद्दों को रखना चाहिए, हमने दूसरे पॉइंट में आपको कहा कि आपको जो है वो सबको पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, लेकिन इतना काफी नहीं है। आप कैसा बता रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, ये चीज भी जो है वो उतनी ही महत्व की है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब आप डिस्कशन कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ जो है वो डिस्कशन कीजिए, और साथ साथ आपकी वॉइस के अंदर भी मॉड्यूलेशन लाइए। आपको क्या ध्यान में रखना है, तो आप जो है वो बोल रहे हैं उस वक्त सबके सामने जो है वो नजर बनाकर जो है वो बातें कीजिए। ग्रुप डिस्कशन में आई कॉन्टेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहां पर मान लीजिए कि आप एक ग्रुप में हैं और उस ग्रुप में कुछ लोग फेवर में हैं, कुछ लोग अगेंस्ट में हैं। आप जो है वो उदाहरण के तौर पर फेवर में हैं, तो आप जो है वो ज्यादा ध्यान उन लोगों के ऊपर देंगे कि जो लोग अगेंस्ट में हैं। हाँ, ऐसा भी नहीं करना है कि फेवर वाले लोगों के ऊपर जो है वो ध्यान नहीं देना है या आई कॉन्टेक्ट नहीं बनाना है, सबके ऊपर आई कॉन्टेक्ट बनाना है, लेकिन अगेंस्ट वाले लोगों के तरफ जो है वो हमें ज्यादा आई कॉन्टेक्ट बनाना है। उसी तरह से जो लोग अगेंस्ट में बोलते हैं उनको फेवर वाले लोगों के ऊपर ज्यादा आई कॉन्टेक्ट बनाना है, ये चीज ध्यान में रखिए। बोलते समय अपनी हाथों की मूवमेंट कीजिए, ये अगर आप करेंगे तो सब लोग जो है आपके ऊपर ध्यान देंगे और आपकी एक इमेज जो है वो क्रिएट हो पाएगी। तो बॉडी लैंग्वेज में जो है वो हैंड मूवमेंट भी कीजिए, आप बोलते समय जो है वो चेहरे पर स्माइल रखिए, एक्सप्रेशंस अगर जो है वो आपके चेहरे पर होंगे तो ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। एक्सप्रेशंस का मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के एक्सप्रेशंस रखिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। चेहरे पर जो है वो सिर्फ स्माइल रखिए, ये भी आपको जो है वो बहुत ही लाइक लोगों के द्वारा करवाएगा। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि हम जो है चेहरे पर स्माइल रखें और हमारी बातों को कहे। तो इस प्रकार से बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखिए और साथ साथ अपनी वॉइस के अंदर भी मॉड्यूलेशन लाइए, मतलब कि बोलते समय जो है वो पहले तो लाउडली बोलिए, आवाज जो है वो तेज रखिए, साथ साथ पिच का इस्तेमाल कीजिए, मतलब शब्दों के ऊपर भार दीजिए। शब्द के ऊपर आप जितना भार देंगे उतनी बातें जो है वो लोग आपकी पसंद करेंगे, तो ये चीजों का भी जो है वो इस्तेमाल कीजिए। तो ये हमने आपको तीसरी टिप दी कि आपको अपनी एक्सेलेंट बॉडी लैंग्वेज और बेहतरीन वॉइस का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप बॉडी लैंग्वेज और वॉइस के रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो वो भी हमने हमारे चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है। तो दोस्तों, ये जो है वो हमारी तीन टिप्स थी कि जिनकी मदद से आप ग्रुप डिस्कशन को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हमारी इस वीडियो को एंड करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स सीखना चाहते हैं, अगर आप ग्रुप डिस्कशन कैसे करना चाहिए उसकी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमारा कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपको हमारे कोर्सेज के बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को ग्रुप डिस्कशन कैसे करनी चाहिए ये सीखना है वो लोग इस वीडियो को देख सके और उनको फायदा हो सके। और हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर जो कम्युनिकेशन स्किल्स की और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियोस अपलोड होती है उन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में जो भी वीडियोज अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो को एंड करने से पहले हम समरी आपको देना चाहेंगे, मतलब जो भी हमने आपको पॉइंट्स बताए, जो भी टिप्स आपको बताई उन्हें एक बार रिपीट करना चाहेंगे। हमने आपको जो तीन टिप्स प्रोवाइड की उनमें से सबसे पहली टिप आपके लिए ये थी कि आप अपने मुद्दों को फ्रीली रखिए और सामने वाले व्यक्ति के मुद्दों को भी अप्रिशिएट कीजिए। हमारी जो दूसरी टिप आप लोगों के लिए थी वो ये थी कि ग्रुप डिस्कशन में सबको पार्टिसिपेट करवाइए, और हमारी जो तीसरी टिप आप लोगों के लिए है वो ये है कि
हमारी ग्रुप डिस्कशन में बॉडी लैंग्वेज और वॉइस ये दोनों का बेहतरीन उपयोग करना चाहिए। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।